उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवक की चार सगे भाइयों ने बहुत पूरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र के ग्राम नगला बल्लम में बच्चों द्वारा फेंके गए पत्थर की शिकायत करने पर एक युवक ज्ञान सिंह पर चार सगे भाइयों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर आरोपों की माने तो जब युवक पुलिस के पास शिकायत लेकर गया तो उसकी एक भी नहीं सुनी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने पहले तो मजलूम चिट्ठी ना मिलने पर कस्बा घिरोर में ही प्राइवेट चिकित्सालय पर उपचार कराया, जहां कोई फायदा ना होने पर परिजन जिला अस्पताल में ले गए, जहां से गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला चिकित्सालयों ने घायल को सैफई के ट्रामा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। परिजन उपचार के लिए आगरा ले जा रहे थे, तभी घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना थाना कोतवाली को दी गई। आनंद फानन में पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोप है कि यदि पुलिस पीड़ित की शिकायत दर्ज कर उसे मजलूम चिट्ठी दे देती तो उस समय रहते उसका अच्छा उपचार हो सकता था। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित की ना सुनकर मारपीट करने वाले दबंगों पर आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है। आपका कहाँ के रहने वाले हो? मैं मूल निवासी नाला बल्लम का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? अच्छा, ये जो ना ये मौत हुई है, क्या मामला है, पूरा कैसे हादसा ये घटा? जी, हमारा बच्चा ज्ञान सिंह है, जो विरोध सेकंड मोहल्ला में रह रहा है करीब 8-10 साल से। जी, बगल में पड़ोसी नाथूराम का घर है जी। उसके मकान में जो किराए के बच्चे रह रहे थे, उन्होंने ज्ञान सिंह के बच्चों पर ईंट पत्थर देने में फेंके जी। तो जब शाम को ज्ञान सिंह मजदूरी करके घर पर आया तो उसने कहा कि ये सब लोग हावी होके उसकी ईंट डंडा लाठी यानी जो कुछ मिला उन्होंने उससे उसकी बहुत इतनी ज़बरदस्त पिटाई की मौके पर उसे खून के उल्टी हो गई जी। जब उसने हमसे फ़ोन किया तो हम लोग परिवार के वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से लेके पहले थाना गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं की, फिर प्राथमिक चिकित्सालय घिरोर गए, तो वहाँ से यहाँ मैनपुरी के लिए लिख दिया, यहाँ लेके आए और यहाँ से कल सैफई के लिए रेफर कर दिया था। सैफई पहुँचे, आगे जा रहे गंभीर थे कि हमने थे आगरा ले चले, आगरा जा रहे थे रास्ते में करीब 11:30 बजे। अच्छा, ये घटना कौन तारीख की है? 13 तारीख। अच्छा, जो मृतक है वो क्या नाम है उनका? ज्ञान सिंह। और आपका क्या संबंध है उनसे? पिताजी हमारा बेटा, सगा बेटा है। क्या आप ज्ञान सिंह के पड़ोसी हैं? हाँ। अच्छा, कैसी ये घटना घटी थी 13 तारीख को? घटना ऐसी, जो इनके किराएदार रहते थे उन्होंने इनके बाल बच्चन पर ईंट पत्थर फेंके जी। इन्होंने शाम को आके इन्हें कही तो फिर सब एक पर टूट पड़ी। अच्छा, मतलब शिकायत करने के लिए गए थे क्या? इन्हें उड़ाना देने गए थे, मेरे बच्चनों को परेशान करते हैं जी। तो इतनी कहने पर उन्हें ज्ञान सिंह को मारने लगे इस तरह से। और क्या पुलिस को सूचना नहीं दी थी? पुलिस को सूचना थी, पुलिस नहीं पहुंची मौके पर? नहीं पहुंची मौका पर, उन्हीं की सुनवाई की, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं। आपकी कोई सुनवाई की ना? फिर कप्तान साहब के यहाँ आए, आज उनकी मौत हो गई है। सरकान का एक मामला है जहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है, पूरा मामला बताया जा रहा है। सर, उसको घर में घुस के पीटा गया था, उसके बाद उसकी मौत। यह थाना घिरोर का मोहल्ला सरकान, यहाँ 13 तारीख को तेजवीर और ज्ञान सिंह दो पक्ष हैं, दोनों एक ही बिरादरी के हैं, मैं आपस में झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, इसके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाने पर NCR दर्ज कराई गई थी। इसमें एक पक्ष तेजवीर पक्ष जो है, इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर थाना घिरोर के इंस्पेक्टर ने मौके पर मृतक का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 351 इसकी विवेचना की जा रही है और विवेचना से जो तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना क्या थी? उसको बताया कि आपस में दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, मैं किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इसमें दोनों पक्ष थाने पर आए थे और थाने पर दोनों पक्षों की NCR पंजीकृत की गई थी और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल के लिए भेजा गया। किसी गिरफ्तारी हुई इस संबंध? अभी इस संबंध में गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी के प्रयास किए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.